स्वागत है दोस्तों आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडो संकल्प पे। मैं कुणाल बंसल एक बार फिर हाजिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम शुरू करेंगे प्रॉब्लम ऑन एजेस। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है। हमने जो पिछला कवर किया टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो उसी पे बेस्ड है पूरी तरह से रेशियो प्रॉब्लम ऑन एजेस। तो सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डिफरेंट पर्सन जो है उनकी आपस में एज का रिलेशन हमें गिवन होता है। ठीक है जी, रेशो की फॉर्म में गिवन होता है या टोटल एज गिवन होती है या डिफरेंस गिवन होता है, तो उसके बेस पे जो भी मिसिंग वैल्यूज होती हैं, मिसिंग एजेस होती हैं, वो हमें कैलकुलेट करनी होती है। तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसमें दोस्तों यूज होंगे रेशो एंड प्रोपोर्शन वाले। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज अपना टॉपिक प्रॉब्लम ऑन एजेस, जिसमें हम सबसे पहले इसका बेसिक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमें चीज ध्यान में रखनी है इस चैप्टर को लेके, तीन चीजें। ठीक है जी, तीन टाइम पीरियड्स होते हैं जैसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, वैसे इसमें भी तीनों चीजें हमें ध्यान में रखनी है। अभी पास्ट की एज है, प्रेजेंट की एज है और एक फ्यूचर की एज है। ठीक है जी, एक तो होगा हमारे पास प्रेजेंट केस, प्रेजेंट एज। ठीक है जी, एक होता है पास्ट, पास्ट को लिखा होता है अगो। ठीक है, और एक होता है फ्यूचर जिसे लिखा होता है हेंस। ये तीन चीजों का हमें ध्यान रखना है, प्रेजेंट एज, अगो यानी कि पास्ट वाली एज और हेंस यानी कि फ्यूचर वाली एज। ठीक है जी, अब इसके अंदर हमें पहला पॉइंट जो समझना है जी, कि अगर कोई पर्सन जिसकी प्रेजेंट एज हम एक्स ईयर्स मान के चलते हैं, किसी पर्सन की प्रेजेंट उम्र कितनी है एक्स ईयर्स, तो अगर हम उसकी एज एन ईयर्स अगो पता करना चाहते हैं कि आज से एन ईयर्स पहले उसकी एज कितनी थी, तो वो कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस एन। मतलब प्रेजेंट एज से अगर अगो वाली एज, पिछली एज, पास्ट की एज हमें पता करनी है, तो हमें उतने साल माइनस करने होंगे। और एन से हमारे लिए फ्यूचर है दोस्तों, तो फ्यूचर के लिए अगर हमें जाना आगे, मतलब आने वाले कुछ सालों में एज कितनी हो जाएगी, लेट से उसी बंदे की एज हमें आज से एन ईयर्स बाद पता करनी है, तो वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, एक्स प्लस एन ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है कि एक होता है एक्स एगो के लिए एक्स माइनस एन की हमने माइनस किया प्रेजेंट में से, और हेंस के लिए प्रेजेंट में हमने प्लस किया। ठीक है, एक इसको न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई बंदा आज 15 साल का है, ठीक है, तो आज से 5 साल पहले वो कितने का होगा जी, 15 में से 5 माइनस करेंगे 10 साल का हो जाएगा, और आज से 5 साल बाद कितने का होगा जी, वो अगर आज से 5 साल बाद जाते तो 15 प्लस 5 कितने का हो जाएगा, वो 20 साल का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है प्रेजेंट, अगो और हेंस को लेके। एक ध्यान में बस, अगर हम लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे, ठीक है जी, ये लेफ्ट मूवमेंट है। ठीक है, तो अगर हमें लेफ्ट साइड की एज पता करनी है तो हमेशा माइनस करेंगे, यानी अगर हमें मान लीजिए हेंस वाली एज पता है, हेंस वाली एज से प्रेजेंट एज निकालनी है तो भी माइनस करना होगा, और प्रेजेंट वाली एज से अगो वाली एज पता करनी है तो भी हमें माइनस करना होगा। और अगर हम राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे, राइट मूवमेंट, ठीक है जी, तो हमें हमेशा प्लस करना है, यानी अगो, अगर हमें अगो वाली एज पता है और अगो वाली एज से प्रेजेंट एज निकालनी है तो भी प्लस करना पड़ेगा, और प्रेजेंट एज से अगर हेंस वाली एज निकालनी है तो भी हमें प्लस करना पड़ेगा। ठीक है जी, अब सेकंड पॉइंट क्या बनता है दोस्तों, सेकंड पॉइंट बनता है एवरेज को लेके, कि अगर इफ एवरेज एज ऑफ एन पर्संस, कोई एन पर्संस हैं जिनकी एवरेज एज एक्स ईयर्स है, ठीक है जी, एन पर्सन जिनकी एवरेज एज एक्स ईयर्स है, then their total age, उनकी टोटल एज कितनी हो जाएगी ये हमें पता करना है, then their total age will be n into x years। ठीक है जी, जितने बंदे और जितनी उनकी एवरेज एज है उनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगी, उनकी टोटल एज मिलेगी। मान लीजिए एक परिवार के अंदर 10 बंदे हैं जिनकी एवरेज एज 20 साल है, 10 बंदे एवरेज एज 20 साल है, तो पूरे परिवार की टोटल एज कितनी हो जाएगी, 10 × 20 200 साल हो जाएगी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कि कोई भी दो पर्सन की एज का जो डिफरेंस है वो कभी चेंज नहीं होता, हमेशा ही सेम रहता है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टू पर्सन ऑलवेज रिमेन सेम।
ऑलवेज रिमेन सेम। ठीक है जी, कोई भी दो बंदे उनके जो एज का डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, बट देयर रेशियो कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है जी, बट देयर रेशियो, उनके बीच का जो रेशियो है, अनुपात है, ठीक है जी, वो हमेशा बदलेगा, कीप्स ऑन चेंज। डिफरेंस कभी चेंज नहीं होगा बट रेशियो हमेशा चेंज होगी। मान लीजिए कि दो ब्रदर्स हैं ए और बी, ठीक है जी, एक ब्रदर की एज 1 साल है और दूसरे ब्रदर की एज 2 साल है, तो इनकी एज के बीच का डिफरेंस कितना दिख रहा है हमें, 1 साल। तो ये डिफरेंस हमेशा ही 1 साल रहेगा, जब भी हम देखेंगे, आज से 10 साल भी बाद भी अगर हम देखेंगे तो डिफरेंस 1 साल का ही रहेगा, क्योंकि 10 साल बाद जो ए है वो 11 साल का हो जाएगा और जो बी है वो 12 साल का हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस यहाँ पे भी 1 साल का ही रहा, बट इनकी जो रेशियो है वो चेंज हो चुकी है दोस्तों। स्टार्टिंग में रेशियो इनकी 1:2 थी एज की, अब रेशियो कितनी बन चुकी है, 11:2। ठीक है, ये हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि डिफरेंस कभी भी नहीं चेंज होता, रेशियो हमेशा चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। इससे अगला जो पॉइंट बनता है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज को लेके, किस तरह की लैंग्वेज यूज की जाती है क्वेश्चंस को लेके एजेस में। ठीक है जी, वो भी हम देखते हैं 4th पॉइंट के अंदर। 4th पॉइंट क्या बोलता है, इफ एज ऑफ ए इज 1 by n times the age of b, अगर a की एज b के मुकाबले 1 by n times है, then b is n times the age of a। ठीक है जी, तो b की एज कितनी हो जाएगी, n times हो जाएगी a के मुकाबले। यानी अगर हम मान के चलें कि a की एज b के मुकाबले हाफ है, ठीक है जी, a की एज b के मुकाबले क्या है, हाफ, तो b की एज क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अगर a की एज b के मुकाबले 1/3 है तो b की एज 3 times हो जाएगी। अगर a की एज b के मुकाबले 1/4 times है, 1/4 है, तो b कितना टाइम्स हो जाएगा, 4 times हो जाएगा। तो वहां से हम रेशियो क्रिएट करेंगे, रेशियो क्रिएट करके इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, कैसे कैसे एग्जांपल्स हो सकते हैं लैंग्वेज को लेके वो देख लेते हैं। जैसे हमें लिखा होता है ए इज ट्वाइस द एज ऑफ बी, ए की एज बी के मुकाबले ट्वाइस, यानी कि डबल है, 2 गुनी है। ठीक है जी, तो हम रेशियो बनाएंगे डायरेक्टली, क्या बनाएंगे, 2:1। ठीक है जी, हमेशा रेशियो बनानी है, हम इक्वेशन नहीं बनाएंगे कि a इज इक्वल टू 2b है या b इज इक्वल टू 2 है, वहां पे गलती हो जाती है, कई स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं। तो आप हमेशा रेशियो क्रिएट करिए कि a अगर ट्वाइस है तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी, b की वैल्यू 1 हो जाएगी। सिमिलरली अगर लिखा हुआ है a इज 3 times the age of b, तो ये क्या बन जाएगा, रेशियो अगर बनाऊंगा तो ए बी की रेशियो कितनी बनेगी, 3:1 बनेगी। ठीक है, सिमिलरली और क्या ऑप्शंस पॉसिबल हैं वो भी हम देखते हैं जी। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है कि ए इज 1/4 the age of b, ये हमने पहले भी पढ़ा कि a अगर 1/4 है तो b 4 times हो जाएगा, यानी a और b की रेशियो कितनी हो जाएगी, 1:4। ये ध्यान में रखना है, ये वैल्यू इसकी हो जाएगी, फ्रैक्शन में अगर गिवन है तो ये वैल्यू इसकी हो जाएगी। ठीक है, अगर सब सिमिलरली लिखा हुआ है कि a इज 2/5 times द एज ऑफ b, a इज 2/5 times द एज ऑफ b, तो b कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और a कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और a और b की रेशियो यहाँ पे कितनी बन गई दोस्तों, 2:5 बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम रेशियोज क्रिएट करेंगे। रेशियोज क्रिएट करने के बाद जो भी इक्वेशन बनेगी, टोटल गिवन है या डिफरेंस गिवन है एजेस का, वो इक्वेशन बना के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो इस चैप्टर में हम यूज करेंगे, इनके बेस पे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आइए दोस्तों कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। इसमें हमें पहला क्वेश्चन बता रहा है
कि रेशियो ऑफ एज ऑफ टीना एंड राकेश इज 9:10। 10 years अगो द रेशियो ऑफ देयर एजेस वॉज 4:5। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ राकेश। ठीक है जी, टीना और राकेश की हमें रेशो बताई गई है एज की। ठीक है जी, 9:10। ठीक है, टीना और राकेश रेशो हमें बता दी गई 9:10, यानी कि टीना की एज होगी दोस्तों 9x और राकेश की एज कितनी हो गई 10x। ये प्रेजेंट एजेस आ गई दोनों की। अब वो बोल रहा 10 साल पहले, यानी कि हमें 10 ईयर्स अगो जाना पड़ेगा, 10 साल पहले चलते हैं। अब प्रेजेंट एज से हमें अगो जाना है तो माइनस करना पड़ेगा, कितने साल पीछे जाना है, 10 साल। तो यानी टीना की एज हो जाएगी 9x-10 और राकेश की एज कितनी हो जाएगी 10x-10। ठीक है जी, तो उस समय पे इन दोनों की जो रेशियो थी, अनुपात था, वो कितना था जी 4:5। यानी ये चीज 4 और 5 के इक्वल है। तो इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, 9x-10 अपॉन 10x-10 इज इक्वल टू 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये बनेगा 45x-50 इज इक्वल टू 40x-40। तो 5x की वैल्यू 10 आई दोस्तों, और x कितना आया 2। x हमें 2 मिल गया, तो हमें टीना की एज और राकेश की एज पता चल जाएगी। टीना की एज थी 9x, यानी 9 × 2 18 ईयर्स, और राकेश की एज कितनी थी दोस्तों 10x, 10 × 2 यानी कि 20 ईयर्स। तो ये हमारा आंसर बनता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक मेथड से हमने दोस्तों इस क्वेश्चन को किया। होपफुली आपको ये बेसिक मेथड पूरे से क्लियर होगा। अब चलते हैं हम अपनी ट्रिक की तरफ। ये ट्रिक हमने रेशियो में भी की थी, उस टाइम पे मैंने डिटेल में इसके बारे में समझाया था। तो अगर कोई अब जो ट्रिक हम करने लगे, अगर आपको ये ट्रिक को बेसिक से समझना है, तो मेरी रेशियो वाली वीडियो को जरूर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन रेशियो हमने जो एक वीडियो बनाई थी, उसमें ये ट्रिक के बारे में मैंने डिटेल में समझाया था। तो जो बच्चा, जो भी स्टूडेंट वो ट्रिक को जानना चाहता है डिटेल में, तो वो उस वीडियो को जरूर देखे, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा जी। ठीक है, अब आइए देखते हम अपनी ट्रिक के की तरफ चलते हैं जी। अब हमें दो रेशोज बताई गई हैं, एक ये रेशो 9:10 और दूसरा 4:5। ठीक है जी, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता है, कितने साल का डिफरेंस है 10। ठीक है जी, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम सोचेंगे टीना और राकेश, ठीक है, प्रेजेंट रेशियो 9:10 है, यानी 9x और 10x हो जाएगी एज। ठीक है जी, नई रेशियो कितनी है जी 4:5, और इन दोनों रेशियो के बीच कितने साल का डिफरेंस है दोस्तों 10 साल का डिफरेंस है। तो यहाँ पे भी 10 आएगा और यहाँ पे भी 10 आएगा। ठीक है, इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये 45x, 9 × 5 10 × 4। तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस करते थे, 45x में से 40x, और इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई 10 × 4, 10 × 5, 40 50 50 - 40। यहाँ पे भी बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू हम माइनस करेंगे, तो 5x की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 10, और x कितना मिला हमें 2। x2 यानी टीना की एज 9x है, तो 9 × 2 18 ईयर्स हो गया, और राकेश की एज 10x है, 10 × 2 कितना हो गया 20 ईयर्स। ये ट्रिक है दोस्तों, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई क्वेश्चंस में रेशियो वाले को चैप्टर में भी हमने देखा कि वहां पे भी हमने इसको काफी यूज किया, और इस चैप्टर में भी ये ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में यूज की जा सकती है। आइए एक और ट्राई करते हैं इसी के बेस पे। द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ भावना एंड अभी 2:5, आफ्टर 6 ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 1:2। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ भावना। यहाँ पे भी हमें दो रेशियोज बताई गई है, प्रेजेंट 2:5 है और 6 साल बाद 1:2, और इन दोनों का डिफरेंस 6 साल का हो जाएगा। तो वही ट्रिक हम यूज करेंगे, भावना और अभी की हमें प्रेजेंट एजेस हम देखें तो 2x एंड 5x बनती है। इनकी जो नई रेशियो है 6 साल बाद वाली, वो कितनी है 1:2, और डिफरेंस हो गया 6 साल का, तो दोनों तरफ 6 आ जाएगा, और क्रॉस कर देंगे मल्टीप्लाई 4x 5x। तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे, इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई 6 12, यहाँ पे भी बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू हम माइनस करेंगे, एक्स कितना मिल जाएगा दोस्तों 6, यानी भावना की एज हो जाएगी हमारे लिए 2x 2 × 6 करेंगे 12 साल, और अभी की एज कितनी है 5x 5 × 6 30 ईयर्स। ये दोनों की एज हमने कैलकुलेट कर दी सेम ट्रिक लगा के। होपफुली आपको ये ट्रिक क्लियर हो चुकी है, तो इस ट्रिक को जरूर करें, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, ये आपके लिए बहुत क्वेश्चंस को आसान करेगी। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं।
समीर्स एज इज 1/4 ऑफ हिज फादर्स एज. समीर की एज अपने फादर के मुकाबले कितनी है? 1/4. यानी समीर और फादर की अगर मैं रेशो बनाऊंगा तो वो कितनी बनेगी दोस्तों? 1:4. ठीक है जी, क्योंकि उसने क्या लिखा कि समीर इज 1/4 ऑफ फादर. ठीक है, यानी फादर की एज 4 तो समीर की एज 1. तो रेशो कितनी आई समीर और फादर की? 1:4. एंड आगे लिखता है समीर की एज 2/3 है अपनी सिस्टर रीमा से. यानी समीर और रीमा की एज जो है वो 2:3 की रेशो में है. ठीक है जी, तो अब क्योंकि यहाँ पे क्या बोलता है, समीर इज 2/3 ऑफ रीमा. ठीक है जी, समीर कितना हो गया 2, रीमा कितनी होगी 3, तो 2:3 हो गया जी. ठीक है, अब हमें इन तीनों की रेशो को एक साथ बनाना है. तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेशो जो पिछले में भी हमने किया, अब देखो समीर दोनों में कॉमन है. ठीक है जी, यहाँ तो अगर दो रेशो को हमें जोड़ना है तो आपस में, हमने लास्ट चैप्टर में भी किया था रेशो में, कि हमें कोई कॉमन वैल्यू चाहिए जो जिसकी वैल्यू हम सेम करेंगे. अब यहाँ पे कॉमन कौन है? समीर. तो समीर की वैल्यू को सेम करते हैं जी. यहाँ पे समीर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको भी 2 बना देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है जी, तो ये बन जाएगा 2:8. ठीक है, अब हम इनको कंबाइन कर देंगे. समीर की वैल्यू दोनों तरफ 2 है, फादर हो गया 8, रीमा हो गई 3. तो उसने पूछा समीर, रीमा और फादर की रेशो. समीर की वैल्यू कितनी है 2, रीमा की वैल्यू कितनी है 3 और फादर की वैल्यू कितनी है 8. ठीक है जी, ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेशोज है. ये भी हमने पिछले वीडियो, पिछले चैप्टर की वीडियोज में डिटेल में डिस्कस किया था, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं कि अलग अलग रेशोज को कैसे कंबाइन किया जाता है. इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. 5 साल पहले राम की जो एज थी वो 1/3 थी श्याम की एज के मुकाबले, और प्रेजेंटली राम की एज कितनी है जी? 24 साल. तो हमें बताना प्रेजेंट एज ऑफ श्याम कितनी है जी. अब राम और श्याम की एज का जो रिलेशन है वो आज से 5 साल पुराना गिवन है, तो हमें उस टाइम के अकॉर्डिंग सोचना होगा. और राम की प्रेजेंट एज भी पता है, तो राम की अगर प्रेजेंट एज 24 है, ठीक है जी, तो आज से 5 साल पहले जाना है क्योंकि रिलेशन उस टाइम पे, तो 5 साल पहले अगर हम जाएंगे 5 years ago, इसका मतलब उस टाइम पे राम की एज कितनी हो जाएगी? 24 में से 5 गए 19 साल. ठीक है जी, उस टाइम पे राम की एज कितनी होगी? 19 साल हो जाएगी. ठीक है, और उस टाइम पे राम और श्याम रेशो कितनी थी? 1:3, क्योंकि राम की एज 1/3 है या 1/3 है, तो 1:3. अब राम की वैल्यू हमें पता है कितनी है दोस्तों? 19 साल. तो 1 अगर 19 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 57 हो जाएगी. तो हमें श्याम की एज पता चली कितनी? 57 years. बट ये एज कब की है जी? आज से 5 साल पहले. तो हमें प्रेजेंट एज पूछा गया, तो प्रेजेंट एज ऑफ श्याम कितनी हो जाएगी दोस्तों? 5 साल इसमें प्लस करेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ श्याम विल बी 57 प्लस 5 इक्वल टू 62 years. ये हमारा आंसर बनेगा प्रेजेंट एज ऑफ श्याम. आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. 15 years hence, a man will be just 4 times as old as he was 15 years ago. What is his present age? कहते आज से 15 साल बाद एक बंदे की एज कितनी होगी जी? 4 गुना होगी इससे जितनी एज उसकी आज से 15 साल पहले थी. यानी कि इस क्वेश्चन में हमें जो रिलेशन बताया गया है वो आज से 15 साल पहले जो एज थी और आज से जो 15 साल बाद जो एज होगी, उन दोनों के बीच का रिलेशन हमें बताया गया. तो इसमें तीनों केस हमें लेके चलना होगा, अगो, प्रेजेंट और हेंस. ठीक है जी, अब वो 15 साल पुरानी बात कर रहा है और 15 साल आगे आज से, वो बोल रहा 4 गुना एज हो जाएगी. अगर हम किसी एक वैल्यू को एज्यूम करके चले, मान लो मैं अगो से क्वेश्चन को शुरू करता हूँ, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, प्रेजेंट से भी शुरू कर सकते हैं, मैं अगो से शुरू कर रहा हूँ क्वेश्चन को. तो आज से 15 साल पुरानी बात कर रहा है जी, वो 15 साल पहले मान लीजिए बंदे की एज एक्स ईयर थी, तो इसका मतलब प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी उसकी? एक्स प्लस 15, क्योंकि अगो से प्रेजेंट आएंगे तो 15 साल प्लस हो जाएंगे. और आज से 15 साल हेंस हमें जाना है, आज से 15 साल आगे और जाएंगे तो 15 साल और जुड़ जाएंगे, तो कितनी बन जाएगी? एक्स प्लस 30. ये तीनों एज हमें मिल चुकी हैं, अगो, प्रेजेंट और हेंस. अब ये कहता है क्वेश्चन कि हेंस 15 साल हेंस वाली जो एज है, यानी कि दिस वन एक्स प्लस 30, ये 4 गुना है किस एज का जो आज से 15 साल पहले था, यानी इस एज का.
तो इक्वेशन अगर मैं बनाऊंगा, इक्वेशन क्या बनेगी, 4x इज इक्वल टू एक्स प्लस 30, यानी आज से 15 साल पहले जो एज थी x, उसका 4 गुना किसके बराबर है, जो आज से 15 साल बाद वाली एज होगी। तो यहां से x की वैल्यू हम निकालेंगे, 4x माइनस x इज इक्वल टू 30, 3x की वैल्यू 30 आई और x कितना हो गया 10, x 10 है। हमें प्रेजेंट एज पूछा गया जी, प्रेजेंट एज दोस्तों कितनी थी, एक्स प्लस 15, तो प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी, 10 प्लस 15, 25, 10 प्लस 15 25 साल आ, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन को करने का बेटर तरीका है दोस्तों ऑप्शन, अगर आप ऑप्शन पिक करते हो तो आपको कोई कैलकुलेशन करके नहीं देखनी पड़ेगी। जैसे कि इस केस में हम मान के चलते हैं कि अगर बंदे की प्रेजेंट एज 25 साल होती, एज्यूम करें ऑप्शन में से, ठीक है, तो आज से 15 साल पहले वाली एज हमें देखना है वो कितनी हो जाएगी 10 साल, और आज से 15 साल बाद वाली एज हमें देखनी है वो कितनी हो जाएगी 40 साल। तो वो बोल रहा था 4 गुना होनी चाहिए, देखो 4 गुना हो रहा है दोस्तों, 10 को 4 गुना करेंगे तो कितना बन रहा है 40। तो बहुत आसानी से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर हम ऑप्शन ट्राई करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एज ऑफ फादर 10 ईयर्स अगो वॉज थ्राइस द एज ऑफ हिज सन, आज से 10 साल पहले फादर की एज सन के मुकाबले 3 गुना थी, ठीक है जी। 10 ईयर्स हेंस फादर्स एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, और आज से 10 साल बाद फादर की एज कितनी होगी जी, ट्वाइस हो जाएगी, 2:1 हो जाएगी, ठीक है। हमें प्रेजेंट एज की रेशो पता करनी है। अब इसमें भी अगो और हेंस का हमें बताया गया, प्रेजेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब इस तरह के क्वेश्चंस को हम शुरुआत कैसे करेंगे, कहां से करेंगे, देखो आप प्रेजेंट एज से भी शुरुआत कर सकते हो, बट क्योंकि प्रेजेंट एज में फादर और सन के बीच में कोई रिलेशन गिवन नहीं है, तो यहाँ पे हमें 2 वेरिएबल्स को एज्यूम करना पड़ेगा, फादर की एज को अलग और सन की एज को अलग मान के चलना पड़ेगा, जिससे कि हमारा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो बेटर है कि क्वेश्चन की शुरुआत वहां से की जाए जहां की रेशियो हमें पता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में मैं आज से 10 साल पहले वाली रेशियो भी पता कि 3 गुना थी, और आज से 10 साल बाद वाली रेशियो भी पता है 2 गुना थी। तो वहां से दोनों में से हम किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं। मैं यहां से अगो से क्वेश्चन को शुरू करूंगा, ठीक है, अगो, प्रेजेंट और हेंस, ये 3 चीजों की बात हो रही है, ठीक है। 10 साल अगो की बात कर रहा दोस्तों, वो आज से 10 साल पीछे फादर 3 गुना था सन के मुकाबले, यानी फादर और सन की रेशो 3:1, ठीक है। और आज से 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद की अगर बात करें तो फादर और सन की रेशो कितनी बताई गई है, 2:1। अब ध्यान से दोस्तों, अब हमें जो शॉर्ट ट्रिक हमने स्टार्टिंग में की थी, हमें 2 रेशोज पता है, एक तो 3:1 रेशो पता है, एक हमें 2:1 पता है। इन दोनों रेशोज के बीच का डिफरेंस कितने साल का दोस्तों, 20 साल का, 10 ये हो गए 10 ये हो गए, तो 20 साल का डिफरेंस है। तो ट्रिक लगाएंगे, ठीक है जी, ओरिजिनल रेशो हम 3x 1x मान के चल रहे हैं जी, तो 3x 1x, दूसरी रेशो कितनी है दोस्तों, 2:1, और इन दोनों रेशोज के बीच का डिफरेंस कितने साल का, 20 साल का, तो 20 का यहाँ पे हम डिफरेंस लेंगे, ठीक है जी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3x माइनस 2x, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 40 20, तो 40 में से 20 माइनस करते हैं, तो यहां से हमें x की वैल्यू दोस्तों कितनी मिली, 20, x 20 मिला, यानी फादर की एज यहां से 10 साल अगो की बात कर रहे हैं 3x थी, तो 3 × 20 कितनी हुई, 60 ईयर्स, और सन की एज एक्स थी, यानी कितनी हुई, 20 ईयर्स। ये हमें एजेस मिली दोस्तों फादर और सन की आज से 10 साल पुरानी, ठीक है। अब हमें यहां से प्रेजेंट एज को कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। तो प्रेजेंट एज कैलकुलेट करेंगे तो फादर की एज 10 साल बढ़ जाएगी, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, 60 प्लस 10 70 ईयर्स, और सन की एज थी हमारे पास 20 20 प्लस 10 करेंगे कितनी हो जाएगी, 30, तो रेशो कितनी आ जाएगी दोस्तों, 7:3। तो ये हमारा क्वेश्चन बनता है। तो सेम ट्रिक हमने लगाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमें 2 रेशोज और उनके बीच का डिफरेंस गिवन था। आइए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 6 ईयर्स अगो, आज से 6 साल पहले की बात कर रहा है, रहीम की एज डबल थी वाहिदा के मुकाबले, और आज से 8 साल बाद उन दोनों की सम, एज का सम कितना होगा, 82। हमें दोनों की रेशियो निकालनी है प्रेजेंट। तो सिमिलर क्वेश्चन ही है जो पिछला था, अगो, प्रेजेंट और हेंस, ठीक है जी।
6 साल पुरानी बात कर रहा है और आज से 8 साल आगे की बात कर रहा है, ठीक है जी। 6 साल पहले रहीम की एज डबल थी वाहिदा से, तो यहीं से क्वेश्चन को शुरू करेंगे क्योंकि रेशियो यहां से गिवन है 2:1, तो रहीम की एज होगी दोस्तों 2x और वाहिदा की एज हो गई 1x। तो यहां से हम प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं दोनों की। प्रेजेंट एज रहीम की कितनी हो जाएगी 2x+6 और वाहिदा की एज हो जाएगी x+6, ये दोनों की प्रेजेंट एज हो गई। और 8 ईयर्स हेंस चलते हैं आगे 8 साल और, तो रहीम के 8 साल और जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x+14 और वाहिदा का भी 8 साल और जुड़ जाएंगे कितना हो जाएगा x+14, ठीक है। ये हमें अगो प्रेजेंट और हेंस तीनों एजेस मिल गई। अब क्वेश्चन ये बोलता है कि आज से 8 साल बाद दोनों का जो सम है वो 82 है, यानी इन दोनों वैल्यूज का सम 82 होगा। तो इन दोनों का सम करते हैं हम, 2x+14 + x+14 किसके बराबर है 82। तो यहां से हमें मिलेगा 3x+28 = 82 और 3x की वैल्यू हो जाएगी 54 और x हो जाएगा हमारे लिए 18। तो x हमें 18 मिल गया, यानी अब हमें प्रेजेंट एजेस निकालनी है। तो प्रेजेंट एजेस निकालते हैं दोनों की। रहीम की प्रेजेंट एज थी 2x+6, एक्स कितना हमने 18, तो 18 × 2 = 36 + 6 = 42 और वाहिदा की प्रेजेंट एज कितनी है x+6 = 18 + 6 कितना हो जाएगा 24 ईयर्स। तो रेशियो पूछा गया था 42 और 24 की रेशियो कितनी बन जाएगी, 6 के टेबल पे हमने घटाया 7:4 बनेगा। आइए अगला, द एज ऑफ टू persons डिफर बाय 16 ईयर, दो बंदों की एज का डिफरेंस कितना है 16 साल और आज से 6 साल पहले जो एल्डर वन है, जो दोनों में से बड़ा है, वो 3 गुना है जी यंगर वन से, छोटे बच्चे, ठीक है जी। तो हमें दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है। अब रेशियो हमें कब की बताई गई दोस्तों, 6 साल अगो, तो अगो और प्रेजेंट की बात करते हैं। 6 ईयर्स अगो की बात हो रही है, ठीक है जी, 3 गुना है जी एल्डर वन यंगर वन के मुकाबले, यानी कि 3:1 हो जाएगा, ठीक है। तो एल्डर वन की एज होगी 3x, यंगर वन की एज होगी 1x, ठीक है। अब हमें यह बताया गया कि दोनों का डिफरेंस 16 साल है, तो हमने स्टार्टिंग में एक पॉइंट पढ़ा था कि कोई भी दो बंदे उनकी एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 16 ही रहेगा हमेशा। तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, x कितना आ जाएगा 8, ठीक है। यानी एल्डर वन की एज हो गई हमारे पास 3x, तो 24 साल, और यंगर वन की एज है x, यानी कि 8 साल। ये दोनों की एज हमें पता चली आज से 6 साल पहले की। दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है, तो ये भी 6 साल प्लस हो जाएगा 30 ईयर्स और ये भी 6 साल प्लस हो जाएगा, कितना बन जाएगा 14 ईयर्स। तो ये हमारा आंसर बन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनिल इज 30 ईयर्स यंगर देन हिज फादर, अनिल अपने फादर से 30 साल छोटा है, यानी फादर और अनिल के बीच का 30 साल का डिफरेंस है। ये हमें डिफरेंस पता है, ये हमेशा सेम रहेगा। 5 ईयर्स अगो अनिल वॉज 1/7 और एज ओल्ड एज हिज फादर, आज से 5 साल पुरानी बात कर रहा है जी, 5 ईयर्स अगो की बात कर रहा है कि अनिल जो है 1/7 था अपने फादर के मुकाबले, यानी फादर और अनिल की अगर रेशियो निकाली जाए तो रेशियो कितनी बनती है 7:1। तो फादर की एज होगी दोस्तों 7x, अनिल की एज होगी 1x। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है दोस्तों 30 साल, तो इन दोनों का डिफरेंस हमें पता है कि 30 साल है, तो यहां से 6x 30 मिला, x कितना मिलेगा 5। तो फादर की एज हमें यहां से पता चली 7x यानी 35 ईयर्स और अनिल x यानी कि 5 ईयर्स। ये हमें फादर और अनिल की दोनों की एज पता चली, बट ये जो एज है दोस्तों ये कब की है, आज से 5 साल पहले की। हमें बताना है हाउ ओल्ड अनिल्स फादर बी 5 ईयर्स फ्रॉम टुडे, अनिल के फादर की एज बतानी है आज से 5 साल बाद, ठीक है। ये जो एज है आज से 5 साल पहले अगो की है, तो अगो से हम प्रेजेंट की तरफ जाएंगे 5 साल प्लस करके, तो प्रेजेंट एज फादर की कितनी होगी 40 साल। तो हमें बताना है आज से 5 साल बाद कितनी होगी, तो 5 और जुड़ जाएगा तो कितनी हो जाएगी 45। तो ये हमारा आंसर होगा 45। हाँ जी, तो ये था दोस्तों प्रॉब्लम ऑन एजेस को लेके हमारा छोटा सा टॉपिक, जो कि पूरी तरह डिपेंडेंट है रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे।
उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, रेशो के कॉन्सेप्ट्स को कैसे इंप्लीमेंट किया हमने वो भी आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करें, और अगर आपको हमारी वीडियोस बाकी भी अच्छी लगती हैं तो चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें, अगर आपको लगता है कि हम आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर पा रहे हैं। तो ऐसी और भी वीडियोस लेके आऊंगा, और दोनों वीडियोस का जो मैंने जिसके बारे में रेशियो के बारे में डिस्कस किया वीडियो में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो वहां से आप वो वीडियोस को भी देख सकते हैं। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।